गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 62 है। पिछली क्लास में हमने भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखा था और आज हम देखेंगे ठोस अधिशोषक की पृष्ठ पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग लगाओगे तो ठोस अधिशोषण पर गैस के अधिशोषण को पांच कारक प्रभावित करते हैं। कितने कारक? पांच। तो यहां पर लिखेंगे ठोस अधिशोषण पर गैस या अधिशोषण, गैस क्या है या अधिशोषण के अधिशोषण को निम्न पांच कारक प्रभावित करते हैं। पांच कारक कौन कौन से हैं? पहला है हमारा गैस या अधिशोषण की प्रकृति। दूसरा है हमारा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। चौथा है हमारा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और पांचवा है अधिशोषक का सक्रिय, अधिशोषक का सक्रिय। अधिशोषक का सक्रिय अब इसमें हम पहला प्रभावित करने वाला कारक देखेंगे, गैस या अधिशोषक की प्रकृति।
या अधिक शब्द सीखे। तो देखा है हमने भौतिक अधिशोषण होता था हमारा जो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता था, क्योंकि इसमें दुर्बल बंध या वांडरवाल बंध पाए जाते, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता था हमारा विशिष्ट प्रकृति का होता था। तो भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होने के कारण, अविशिष्ट प्रकृति का होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि गैस का जो अधिशोषण होता है वो कम मात्रा में भी हो सकता है और अधिक मात्रा में भी हो सकता है। तो कौन सी गैस का अधिक मात्रा में होगा, कौन सी गैस का कम मात्रा में अधिशोषण होता है? तो जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है उन गैसों का तो अधिशोषण अधिक होता है, तथा जो गैस स्थायी होती है उन गैसों का अधिशोषण आसानी से नहीं होता है या कम मात्रा में होता है। अब द्रवीकरण क्या है? तो किसी भी गैस के द्रवीकरण का होना उस गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। कौन से ताप पर निर्भर करता है? क्रांतिक ताप पर। फिर हम देखेंगे क्रांतिक ताप क्या होता है। तो पहला इसे याद कर लिख ले पर उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं लगता है उसे हम कौन सा दाब कहते हैं? क्रांतिक ताप। इसकी परिभाषा लिखेंगे वह न्यूनतम ताप
न्यूनतम इस न्यूनतम ताप को क्रांतिक ताप नॉट करो एक डायग्राम से लिखो इसमें भी नोट कर लेना, इसको नोट कर लिया हो तो ध्यान रखना, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा, और जिसका द्रवीकरण जितना आसानी से होगा उस गैस का अधिशोषण भी उतना ही क्या होगा अधिक। तो SO2 का क्रांतिक ताप 430 केल्विन, SO2 से कम होता है NH3 का 406 केल्विन। तो अब SO2 का क्रांतिक ताप अधिक है तो उसका द्रवीकरण भी आसानी से होगा, द्रवीकरण आसानी से होगा तो सबसे ज्यादा जो गैस का अधिशोषण होगा वो SO2 गैस का होगा। तो हम देखेंगे, पहले से आप नोट कर लोगे, जितना अधिक होगा वह गैस उतनी ही आसानी से द्रवित होती है, अतः उस गैस का अधिशोषण अधिक होगा। एक ग्राम सक्रिय चार्ज गैसों के अधिशोषण का क्रम
इसके बाद हम दूसरा प्रभावित करने वाला कारक देखेंगे, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्र। क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि हम एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को जलाएं और एक लकड़ी के टुकड़े को छोटा छोटा करके जलाएं तो बड़ा लकड़ी का टुकड़ा धीमा जलता है बजाय किसके, छोटे लकड़ी के टुकड़े के। क्योंकि जब लकड़ी के टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि। इसी प्रकार से यदि कोई सरंध्र वाला अधिशोषक है, छोटे छोटे छिद्र वाला है या जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो उस पर अधिशोषण की दर अधिक होगी बजाय दूसरे के। तो हम यहां लिखेंगे बड़ी लकड़ी धीमे वेग से जलती है तथा लकड़ी एक छोटे छोटे टुकड़े करने पर पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ जाने के कारण पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ जाने के कारण छोटे लकड़ी के टुकड़े तीव्र गति से जलने लगे। पहले डी के बाद
अधिशोषण को प्रभावित करने वाले पांच कारकों में से दो कारकों पर चर्चा की। तीसरा हमारा जो कारक है वो है दाब का प्रभाव, प्रेशर का, जो थोड़ा सा लंबा पॉइंट है। उसमें लैंगमुयर अधिशोषण दाबी समदाबी वक्र भी बनेगा, जो आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा और अधूरा छोड़ देंगे उसे, तो फिर कल से हमें दोबारा उस टॉपिक को समझाना पड़ेगा। तो आज की क्लास को आपकी को यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।